Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही डिलीशियस कलेजी बना रही हूँ. अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. कलेजी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑयल चाहिए हाफ कप, हरा धनिया चाहिए हाफ कप कटा हुआ, टमाटर चाहिए दो अदर टमाटर चाहिए और उनका कवर उतार कर और उसे ग्राइंड कर लेना है, तैयार कर लेना है. बड़े साइज़ की प्याज चाहिए, इसका भी पेस्ट तैयार कर लेना है. टमाटर और प्याज का पेस्ट इसलिए तैयार करना है कि जब इसकी ग्रेवी तैयार होती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है. नमक हसबे जायका, कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, गार्लिक पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून, भुना और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 2 पिंच, हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, गार्निश के लिए लेमन अदरक इस तरह काट लेना है बारीक बारीक और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, और कलेजी चाहिए हाफ के जी. मैं लैम्ब की यूज़ कर रही हूँ, आप मटन की भी इसी तरीके से बना सकते हैं. और हरी मिर्च 1 से 2 और उसे पीस लेना है. फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें इस तरह कलेजी डाल देनी है, प्याज, टमाटर, लहसुन चॉप किया हुआ, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, भुना और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा और हरी मिर्च पिसी हुई मिक्स कर देना है. मिक्स करने के बाद फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे 20 मिनट के लिए कुक होने देना है. 20 मिनट में ये प्याज और टमाटर का जो पानी निकलेगा उसी में ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी. कलेजी को पकते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं. अब इसमें नमक ऐड कर देना है, गरम मसाला सिर्फ 2 पिंच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, और ऑयल डाल देना है. ऑयल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं. अब इसे भून लेना है, 2 से 3 मिनट तक बस भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना. साथ ही थोड़ा सा ये अदरक डाल देंगे और आधा हरा धनिया डाल देना, आधा गार्निश के लिए रख लेना. कलेजी और मसाले को मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया. अब फ्लेम को बंद कर देना और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ऑयल निकाल लेना है. ये मैंने ऑयल जो इसमें डाला था वो एक्स्ट्रा निकाल लिया. अब यहाँ पर इस पर हरा धनिया डाल देना है, कटी हुई अदरक, कटी हुई हरी मिर्चें और इसके ऊपर लेमन डाल देना है इस तरह, और 10 मिनट्स के लिए कवर कर देना है. और आपको बात बता दूं कि कलेजी को मैंने किस तरीके से धोया है. एक पूरी गट्ठी ले लेनी है लहसुन की और इसे हल्का सा दर दरा सा छिलके समेत पीस लेना है और 1 लीटर पानी में ये पूरा डाल देना है और कलेजी उसमें रख देनी है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए. जैसे ही 15 से 20 मिनट गुजर जाए उसमें से निकालना है और उसे काट लेना है बारीक बारीक. इससे क्या होगा कि कलेजी में जो एक स्मेल आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत ही डिलीशियस आपकी कलेजी. और स्टार्टिंग में नमक भी देखा है मैंने नहीं डाला क्योंकि नमक डालने से ये सख्त हो जाती है. नमक मैंने लास्ट में डाला है ताकि ये कलेजी सॉफ्ट रहे और कलेजी को बहुत ज़्यादा पकाते भी नहीं है. मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे लास्ट में भुना है और ये तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छी तैयार हुई है. 10 मिनट्स गुजर चुके हैं, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है. ये बहुत सिंपल तरीका है और बहुत ही टेस्टी तैयार होती है. आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा. इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़.